मेरा नाम पारस बिरला है, पारस गुलाब चंद बिरला। कहाँ रहते हो? ग्राम बड़ू। बताओ यार, आपको ये कवि बनने का सपना कैसे चालू हुआ? देखो, पिछले वर्ष जो 2019 में किसान की जो व्यथा थी, मतलब बारिश की वजह से जो दर्द हुआ था उनको, मतलब फसलें नष्ट हुई थी, तब मुझे मतलब कुछ अंदर से सा दर्द हुआ कि यार किसान के ऊपर मुझे कुछ लिखना चाहिए। तो मैंने किसान के ऊपर लिखना शुरू किया अपना दर्द व्यक्त, वहीं से मुझे कविता का थोड़ा आगे। मतलब आपका प्रेरणा स्रोत किसान है? हाँ, किसान की व्यथा। हाँ, और आप, सुना गया है कि आप 170 कवियों में फर्स्ट आए हैं, क्या कैसे क्या हुआ ये? देखो, मेरे पास एक नोटिस आया था, किया था कि ये प्रतियोगिता है देवास की कवि समागम समिति की, तो आप यदि हिस्सा लेना चाहते हो तो आप अपना एक 3 या 5 मिनट का वीडियो दीजिए। तो ये 4 देशों का है, 4 देश के 170 कवि थे, जिसमें से लाइक के आधार पर विजेता घोषित किया जा रहा। तो मुझे 5,500 लाइक मिले, मतलब हमारे निमाड़ का मुझे इतना प्यार मिला, हमारा वीडियो उनको बहुत पसंद आया, तो उनकी आज प्यार मोहब्बत के कारण मुझे आज विजेता घोषित किया गया, पहले स्थान पर मैं आया 170 में से। ये बताइए कि आप अभी मतलब और कवि क्षेत्र में किन किन से मिल चुके हैं और क्या क्या प्रेरणाएं ली है आपने? अभी मैं सनावत के बहुत बड़े अच्छे शायर हैं मुजीब अमन जी, और 2-3 कवि हैं जिनसे मुझे बहुत, और हमारे बड़े भैया है जो अभी मुंबई में लिखते हैं बॉलीवुड स्क्रिप्ट स्तर में, तो उनसे भी बहुत प्रेरणा मिली है मुझे, बहुत कुछ अच्छा सिखाते हैं मुझे, रोज़ उनकी कॉन्टेक्ट में रहता हूँ।